बड़ा ही मजेदार, बड़ा ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। एनालिटिकल भी है, एनालिटिकल मतलब सिचुएशंस होंगी, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा क्या सिचुएशन है, तो एनालिटिकल स्किल्स भी इन्वॉल्व हैं और प्रेजेंटेशन स्किल्स भी इन्वॉल्व हैं, क्योंकि इसमें जो भी क्वेश्चन आएगा उसका आंसर ग्राफ के फॉर्म में होगा। तो एडवांटेज कि वो चीज़ पे बहुत स्कोरिंग हो जाती है, क्योंकि ग्राफ सही है ना तो फर्स्ट इम्प्रेशन तो क्रिएट हो ही गया कि आपको पता है कि आप क्या बोल रहे हो। तो नॉर्मली फिर उसके बाद अगर एक्सप्लेनेशन सही है, जो कि अगर ग्राफ बनाया तो पता भी होगा ना कि क्या बनाया है, तो उसके ऊपर अगर सही डायरेक्शन में लिखा है तो फुल मार्क्स मिल जाते हैं। डिसएडवांटेज, ग्राफ देखते ही पता चल जाएगा कि आपको पता भी है कि नहीं, वरना क्या होता है थियोरेटिकल क्वेश्चन तो अगर लंबा होता है तो कहानियां लिखते हैं ना, तो बहकाने की कोशिश करते हैं छोटी मोटी इधर उधर के, एग्जैक्ट आंसर नहीं भी पता होता तो कुछ वर्ड्स यूज करके हम ये बताना चाहते हैं कि नहीं नहीं हमें तो पता है, तो फिर उसमें से आपका आधा पौना सही भी है तो 3 मिल जाएंगे 6 में से। लेकिन ग्राफ में क्या होगा कि अगर ग्राफ ही गलत है तो एक्सप्लेनेशन आपकी पढ़ेंगे भी नहीं, सीधा 0 देंगे। समझ आ रही है ना? तो हर एक चीज का कोई फायदा होगा कोई नुकसान होगा, तो इसीलिए इंटरप्रिटेशन इंटरप्रिटेशन क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि ग्राफ इसमें ज्यादा नहीं तो 15-16 तो हैं, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट समझ आए तो कॉन्सेप्ट सिर्फ 4 है, कॉन्सेप्ट सिर्फ 4 है, उसी की वेरिएशंस हैं बहुत सारी, कि या तो डिमांड बढ़ेगी या डिमांड गिरेगी, या तो सप्लाई बढ़ेगी या सप्लाई गिरेगी, 4 ही चीजें हो सकती हैं। फिर वेरिएशंस कैसे होंगी, डिमांड भी बढ़ी सप्लाई भी बढ़ी, डिमांड बढ़ी सप्लाई गिरी, डिमांड गिरी सप्लाई बढ़ी, डिमांड बढ़ी सप्लाई बढ़ी लेकिन डिमांड सप्लाई से ज्यादा बढ़ी। समझ आ रही है बात? तो वो तो वेरिएशन हो गई ना, वो तो फिर अनलिमिटेड है, वो अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड क्या मतलब 16 to 20 है, बट मैं कह रहा हूँ उसमें हमें फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए, हमें समझ आना चाहिए कि अगर डिमांड इंक्रीज हो रही है तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, डिमांड डिक्रीज हो रही है तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, सप्लाई इंक्रीज हो रही है सप्लाई, ये 4 कॉन्सिक्वेंसेज अगर समझ आ जाए तो आगे के उस पे बेस्ड है सर, आगे के उसी पे बेस्ड। चैप्टर का नाम प्राइस डिटरमिनेशन, प्राइस डिटरमिनेशन मतलब हम किसी प्रोडक्ट का ना प्राइस डिटरमिन करने की कोशिश कर रहे हैं, कि कंज्यूमर ने तो बोला कि भैया जितना सस्ता होगा उतना ज्यादा खरीदूंगा, प्रोड्यूसर ने बोला जितना महंगा होगा उतना ज्यादा बेचूंगा, तो उन दोनों की तो कहानियां बिल्कुल अलग है, तो कैसे डिसाइड होगा किसी चीज का प्राइस, तो उसे बोलते हैं प्राइस डिटरमिनेशन, ऑल्सो नोन एज मार्केट इक्विलिब्रियम, मार्केट इक्विलिब्रियम। जब हमने कंज्यूमर्स की कहानी पढ़ी थी तो वहां पे स्टडी किया था कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, जब हमने प्रोड्यूसर्स की कहानी पढ़ी तो वहां पे सुना प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। बस इतनी सी बात बतानी चाहिए, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम व्हेन द कंज्यूमर वांट्स टू मैक्सिमाइज हिज सैटिस्फैक्शन, प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम व्हेन द प्रोड्यूसर वांट्स टू मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट्स, इतनी सी बात बतानी चाहिए। और क्या बतानी चाहिए, डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोपिंग होता है, और क्या बताना चाहिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड और फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई। तो आई होप ये सब पता है हमें, तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं। कोई ऐसा बच्चा जिसको फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड और फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई ना बताओ, कोई ऐसा बच्चा जिसको लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई ना बताओ, ये बेसिक रिक्वायरमेंट है इस चैप्टर की, सिर्फ पता ही नहीं आपके टिप्स पे होना चाहिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, आफ्टर द क्लास पहली चीज क्या करेंगे आप, लॉ ऑफ डिमांड फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई, तो फैक्टर्स के साथ वो मूवमेंट्स एंड शिफ्ट्स कवर हो जाते हैं, बट मेरे हिसाब से वो स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि डिमांड के बाद सप्लाई में वो पूरी चीज रिपीट हुई थी, मूवमेंट्स एंड शिफ्ट्स। नहीं भी है तो मैं कह रहा हूँ वो रिक्वायरमेंट है इस चैप्टर की, वो आपकी परफेक्ट होनी चाहिए, तो आप एक बहुत बड़ी एडवांटेज पे होंगे। चलो आगे बढ़ेंगे। When is a consumer said to be in equilibrium? When he maximizes satisfaction. When is a producer said to be in equilibrium? When he maximizes his profits. When is the market said to be in equilibrium? When is the market? Market equilibrium में कब होगी? When the market demand is equal to market supply. Simple सी बात. When the market demand is equal to market supply. So how is the market equilibrium determined? How is the market equilibrium determined? आंसर देखेंगे, पहले एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता हूं कि कैसा ग्राफ, पहला ग्राफ आज का,
क्या? डिटर्मिनेशन ऑफ मार्केट इक्विलिब्रियम। और बड़े हो अश्विन, व्हेन इज द मार्केट सेट टू बी इन इक्विलिब्रियम? व्हेन द मार्केट डिमांड इज इक्वल टू मार्केट सप्लाई। तो ध्यान से देखेंगे, अश्विन हमें हेल्प करेगा, असिस्ट करेगा ये ग्राफ बनाने में। एक्स एक्सिस पे क्या शो करते हैं अगर हम डिमांड कर्व बना रहे हैं या सप्लाई कर्व बना रहे हैं? वाई एक्सिस पे आ गया चलो प्राइस इन रुपीस, और एक्स एक्सिस पे क्या आता है? क्वांटिटी। अब तो डिमांड और सप्लाई दोनों है, तो मैं ये नहीं लिख सकता क्वांटिटी, या तो लिखो क्वांटिटी डिमांडेड एंड सप्लाइड, या सिर्फ लिखो क्वांटिटी। एक्स एक्सिस पे क्या हम शो कर रहे हैं? क्वांटिटी इन यूनिट्स। वाई एक्सिस पे क्या शो कर रहे हैं? प्राइस इन रुपीज। डिमांड कर्व की शेप क्या होती है अश्विन? डाउनवर्ड स्लोपिंग या अपवर्ड स्लोपिंग? व्हाट इज द रीजन? लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड, बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड द डिमांड कर्व विल हैव अ डाउनवर्ड स्लोप। फिर रीजन बिहाइंड लॉ ऑफ डिमांड में आता है लॉ ऑफ डीएमयू, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, इनकम इफेक्ट। कोई डाउट? तो लॉ ऑफ डिमांड सेज दैट देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड इट्स क्वांटिटी डिमांड। तो डिमांड कर्व विल बी अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। कोई भी डाउट? सप्लाई कर्व, सप्लाई कर्व कैसा होगा? अपवर्ड स्लोपिंग कर्व। Why is the supply curve upward sloping? Because of the law of supply. There is a positive relationship. तो जो ये point of intersection है, तो ये point of intersection of demand and supply curve, इसे कहते हैं equilibrium. कौन सा equilibrium? Market equilibrium. Denoted by point E. तो ये क्या हो गया? P equilibrium price. ये क्या हो गया? इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। तो अगर मैं पूछूं मार्केट इक्विलिब्रियम क्या है, मार्केट इक्विलिब्रियम इज पॉइंट ई, मार्केट डिमांड इक्वल टू मार्केट सप्लाई। अगर मैं पूछूं वृंदा इक्विलिब्रियम प्राइस क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? इक्विलिब्रियम प्राइस क्या है, उसको कैसे डिनोट करेंगे? इसको बोलते हैं ओपी, ये है प्राइस, ठीक है ना? तो लैंग्वेज में, तभी मैं कह रहा हूँ ना कि पी होगा प्राइस, बट जब हम उसको एक्सप्लेनेशन में लिख रहे हैं तो उसको क्या लिखेंगे? इक्विलिब्रियम प्राइसेस ओपी। तो ऐसे अगर मैं पूछूं कि इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या है, तो क्या होगा वृंदा? ओके। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ना कि एक्सप्लेनेशन लिखनी भी आनी चाहिए। पी इज द प्राइस, बट इक्विलिब्रियम प्राइस अगर मैं लिख रहा हूँ तो एट प्राइस पी इक्विलिब्रियम प्राइसेस ओपी, ठीक है ना? जितना भी है 1 2 3 4 5 6 7 जितना भी है, ऐसे एक्सप्लेनेशन में इसको ओपी लिखा जाएगा। कोई भी डाउट? तो अभी तक बस इतना बताया कि हाउ इज द मार्केट इक्विलिब्रियम डिटरमिन्ड। मार्केट इक्विलिब्रियम इज डिटरमिन्ड बाय द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई व्हेन द मार्केट डिमांड इज इक्वल टू मार्केट सप्लाई। कोई भी डाउट? व्हाट हैपेंस, जनरल डिस्कशन, व्हाट हैपेंस व्हेन मार्केट डिमांड इज ग्रेटर देन मार्केट सप्लाई? तो चलो एक इमेजिनरी टेबल, प्राइस 2 4 6 8 10, क्वांटिटी डिमांडेड, क्वांटिटी सप्लाइड। अब शॉर्टेज है या सरप्लस है? डिमांड, जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा डिमांड बढ़ेगी या गिरेगी? बढ़ेगा। डिमांड बढ़ेगी या गिरेगी? तो लेट अस अज्यूम
2 रुपए पे थी 100 यूनिट्स, क्वांटिटी डिमांडेड इन यूनिट्स, क्वांटिटी सप्लाइड इन यूनिट्स, प्राइस इन रुपीस। तो जैसे से प्राइस बढ़ा, क्वांटिटी डिमांडेड गिरती गई गिरती गई गिरती। कोई डाउट? ये इन गिवन इंफॉर्मेशन। लेट अस अज्यूम कि सप्लाई 20 थी, तो 2 रुपए की बात करते हैं। जब सामान 2 रुपए का है तो क्वांटिटी डिमांडेड 100 यूनिट्स है और क्वांटिटी सप्लाई 20 यूनिट्स है, तो आइडेंटिफाई कर सकते हो कि शॉर्टेज है या सरप्लस है? ये तो बहुत मुश्किल है सर आइडेंटिफाई करना भाई। लोग डिमांड कर रहे हैं 100 यूनिट्स, प्रोड्यूसर के पास है सिर्फ 20 यूनिट्स, तो उस प्रोडक्ट का मार्केट में शॉर्टेज है या सरप्लस है? मुश्किल है ये आइडेंटिफाई करना। व्हेन द डिमांड इज मोर देन सप्लाई देयर विल बी अ शॉर्टेज। तो क्या है? शॉर्टेज है, यस और नो? तो अभी सर डिस्कशन हो रही है, व्हाट हैपेंस जनरली, आपको क्या लगता है कि अगर किसी चीज की मार्केट में शॉर्टेज है तो क्या होता होगा? इज देयर कॉम्पिटिशन अमंग द बायर्स, कि बायर्स को कम्पीट करना पड़ेगा कि मेरे को चाहिए मेरे को चाहिए मेरे को चाहिए, या सेलर्स को कम्पीट करना, हु इज इन अ डोमिनेटिंग पोजिशन व्हेन देयर इज शॉर्टेज ऑफ प्रोडक्ट इन द मार्केट, हु इज इन अ डोमिनेटिंग पोजिशन, द प्रोड्यूसर और द कंज्यूमर? प्रोड्यूसर, कि भाई 20 हैं लेने वाले 100, तो राजा कौन? प्रोड्यूसर, वो डोमिनेट करेगा। कंपीट किसको करना पड़ेगा? कंज्यूमर्स को, बायर्स को। दे विल हैव टू कंपीट कि मैं मेरे को चाहिए मेरे को चाहिए, मैं ज्यादा पैसे देने के लिए तैयार। तो व्हाट हैपेंस व्हेन देयर इज शॉर्टेज इन द मार्केट? द प्राइसेस टेंड टू राइज। लॉजिकल कि भाई किसी चीज की शॉर्टेज है तो प्रोड्यूसर्स विल टेक एडवांटेज ऑफ दैट सिचुएशन, दे विल स्टार्ट इंक्रीजिंग द प्राइसेस। सो व्हेन देयर इज शॉर्टेज प्राइसेस राइज। तो क्या 2 रुपए को मैं इक्विलिब्रियम की कंडीशन मांग सकता हूँ कि स्टेट ऑफ रेस्ट, कि एवरीवन इज सैटिस्फाइड? तो अगर एक होता है ना इक्विलिब्रियम की स्टेट, स्टेट ऑफ रेस्ट एक ऐसी स्टेट होती है जहां से कोई हिलना नहीं चाहेगा, तो क्या वो स्टेट है? हिलना चाहेगा भाई, शॉर्टेज है, नॉट एवरीवन इज सैटिस्फाइड बिकॉज नॉट एवरीवन इज गेटिंग द प्रोडक्ट, तो दिस इज नो वेयर अ स्टेट ऑफ रेस्ट। तो यहाँ तो चेंजेस होंगे, क्या चेंजेस होंगे? प्राइसेस बढ़ने शुरू हो जाएंगे। तो जब प्राइसेस बढ़ेंगे तो ड्यू टू द ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, ड्यू टू द ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, डिमांड बढ़ेगी या कम होगी? कम होगी, तो डिमांड गिरी, 100 से 80 हो गई। एंड ड्यू टू द ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई, प्राइसेस बढ़ने की वजह से सप्लाई बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी, तो सप्लाई बढ़ी। अभी 2 से 4 रुपए पे आया ना, तो अभी सिचुएशन थोड़ी सी, यहाँ पे क्या था? शॉर्टेज ऑफ 80 यूनिट्स, यस और नो? आपकी रेफरेंस के लिए कि 80 का डिफरेंस है, तो प्राइसेस बढ़े। तो जब प्राइसेस बढ़े 4 रुपए हो गए, तो डिमांड गिरी और सप्लाई बढ़ी। शॉर्टेज तो अभी भी है, शॉर्टेज तो अभी भी है, बट अब कितनी है? 40 यूनिट्स, यस और नो? शॉर्टेज कम हो गई, लेकिन है तो अभी भी शॉर्टेज ही है, तो अभी भी शॉर्टेज ही। तो क्या होगा शॉर्टेज है तो? अक्षता, प्राइसेस विल कंटिन्यू टू राइज, क्योंकि भाई प्रोड्यूसर तो अभी भी डोमिनेटिंग पोजीशन में, अभी भी प्रोडक्ट का शॉर्टेज है, तो प्राइसेस विल कंटिन्यू टू राइज। तो दिस इज ऑल्सो नॉट अ स्टेट ऑफ रेस्ट। तो प्राइसेस बढ़ाए, 4 से 6 हो गए, तो जब प्राइसेस फर्दर बढ़ाए, डिमांड बढ़ेगी या गिरेगी? गिरेगी, 80 से 60 हो गई। सप्लाई गिरेगी या बढ़ेगी? बढ़ेगी, वो बढ़ेगी। तो अब शॉर्टेज है या सरप्लस है? नो शॉर्टेज और सरप्लस, दिस विल बी द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। बट अगर प्राइसेस और बढ़ा देते, लालच बुरी बला है, बट अगर प्राइसेस और बढ़ा देते प्रोड्यूसर्स, तो क्या होता? कंटिन्यूएशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, डिमांड और गिरती, कंटिन्यूएशन ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई, सप्लाई बढ़ती, लेकिन डिमांड बढ़ी, डिमांड गिरी 60 से 40, सप्लाई बढ़ी, अब तो क्या हो जाएगा प्रोड्यूसर्स के पास? सरप्लस। सर सरप्लस तो अच्छी बात है, अरे सरप्लस मतलब अनसोल्ड इन्वेंट्री,
सरप्लस मतलब सामान आपके पास ज्यादा पड़ा हुआ है, उतनी डिमांड है नहीं मार्केट में, तो क्या अनसोल्ड इन्वेंट्री का पाइलिंग अप कोई प्रोड्यूसर चाहेगा? तो इस सिचुएशन में देर विल बी कॉम्पिटिशन अमंग द सेलर्स, कि अगर अनसोल्ड इन्वेंट्री है, अगर अनसोल्ड इन्वेंट्री ऐसी सिचुएशन में है कि बेचने वाले 80 यूनिट्स हैं, खरीदने डिमांड सिर्फ 40 यूनिट्स की है, तो क्या करोगे सृष्टि एज अ प्रोड्यूसर? चलो जाग जाओ प्लीज। प्राइसेस 8 रुपए पे पहुंच चुके हैं, डिमांड है 40 यूनिट्स, सप्लाई है 80 यूनिट्स। किसी प्रोडक्ट के मार्केट में यूनिट्स हैं, गाड़ियां हैं 80 और बायर्स हैं सिर्फ 40, तो सप्लाई ज्यादा है या डिमांड ज्यादा है? सप्लाई ज्यादा है, तो उस प्रोडक्ट का मार्केट में सरप्लस है या शॉर्टेज है? सरप्लस है। तो जब ऐसी सिचुएशन होगी तो एज अ प्रोड्यूसर आप क्या करोगे अपना सामान बेचने के लिए? बन चुका है 80 यूनिट्स, वो तो आगे बंद करेंगे ना, अब तो जो बन चुका है उसका क्या करें? अब तो आपको प्राइसेस ही कम करने पड़ेंगे, अब तो आपको प्राइसेस अभी सिचुएशन में पहुंच चुके हैं कि देयर इज ऑलरेडी एक्सेस सप्लाई इन द मार्केट, उसको भी तो क्लियर करना है, तो उसके लिए प्रोड्यूसर्स विल बी फोर्स टू लोअर द प्राइस। तो इसका मतलब दे आर नॉट एट अ स्टेट ऑफ रेस्ट, दे विल हैव टू मेक सम चेंजेस इन द मार्केट। तो समझ आ रहा है स्टेट ऑफ रेस्ट क्या होता है? जहाँ सब खुश हैं, सुकून की जिंदगी है, किसी को कोई टेंशन नहीं, ना प्राइस बढ़ाया जाएगा ना कम किया जाएगा, क्योंकि बायर्स भी खुश सप्लायर्स भी खुश। बट इस सिचुएशन में बायर्स तो खुश हैं कि उनको जितना चाहिए मिल जाएगा, सप्लायर ने जितना बनाया उनका बिक नहीं रहा, तो इसमें क्या होगा? प्राइसेस विल फॉल। जब 10 रुपए का है, जब 10 रुपए का है तो प्राइसेस और गिरे, और मतलब जब 10 रुपए का है तो डिमांड और गिरेगी, सप्लाई और बढ़ेगी। यहाँ पे क्या था? सरप्लस ऑफ 40 यूनिट्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा? सरप्लस ऑफ 80 यूनिट्स। सर लेकिन अगर 8 रुपए पे इतना सरप्लस है तो 10 रुपए का होगा ही, कह रहे अगर 10 रुपए का होगा तो क्या होगा? अगर वो चीज़ 10 रुपये, सब विलिंगनेस ही तो है, ये लॉ ऑफ डिमांड विलिंगनेस ही तो थी, लॉ ऑफ सप्लाई विलिंगनेस ही तो थी, तो वो पूछ रहे कि अच्छा बताओ तो सही, वैसे ही बता दो 10 रुपए पे क्या सिचुएशन होगी। समझ आ रही है बात? तो मतलब लॉजिक ये कह सकता है कि सर जब 8 रुपए पे दिख गया कि सामान बिक नहीं रहा, प्राइसेस वहीं से कम करने पड़ेंगे, ये बढ़ कैसे रहे? और प्राइसेस बढ़ नहीं रहे, वो कह रहे कि अगर उस प्रोडक्ट का प्राइस 10 रुपए होता तो सिचुएशन क्या होती? कह रहा फिर तो और ज्यादा सरप्लस होता, प्राइसेस और कम करने पड़ते, तब तक कम करते रहने पड़ जाते जब तक इक्विलिब्रियम अटेन ना हो जाए। तो अगर मैं इसको सिंपल टर्म में बोलूं, तो जब 2 रुपए का था प्राइस, तो ये सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड है या एक्सेस सप्लाई? एक्सेस डिमांड या एक्सेस सप्लाई? पक्का फाइनल आंसर? ठीक, ये क्या है? एक्सेस डिमांड। एक्सेस डिमांड कब होती है? व्हेन मार्केट डिमांड इज ग्रेटर देन मार्केट सप्लाई। जब 4 रुपए है तो क्या सिचुएशन है? तो भी एक्सेस डिमांड, मार्केट डिमांड इज ग्रेटर देन मार्केट सप्लाई। जब 6 रुपए का है तो क्या हो रहा है? इक्विलिब्रियम, मार्केट डिमांड इज इक्वल टू मार्केट सप्लाई। जब सरप्लस है तो इट इज अ सिचुएशन ऑफ एक्सेस सप्लाई। एक्सेस सप्लाई क्या होता है? मार्केट सप्लाई इज मोर देन मार्केट डिमांड, या मार्केट डिमांड इज लेस देन मार्केट सप्लाई, एक ही बात है। आप इसको क्या लिख सकते हो? एक ही बात है, मार्केट डिमांड इज लेस देन मार्केट सप्लाई और मार्केट सप्लाई इज मोर देन मार्केट डिमांड। जब 10 रुपए का था तो भी यही सिचुएशन है, एक्सेस सप्लाई है, मार्केट डिमांड इज लेस देन मार्केट सप्लाई। कोई भी डाउट? कोई भी डाउट? तो ये सब हम सीखने वाले हैं फर्स्ट पार्ट में, डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम प्राइस। ध्यान से देखेंगे, सारी बातें बताई दी हैं, सुन लेते हैं बुक वाले भी क्या कह रहे हैं, जितनी बातें आएंगी मोस्टली हम सुन चुके होंगे। The concept of demand and supply help us to understand the motivations and actions of people in their roles. ठीक है, however these concepts are of limited. कह रहे demand आप अकेले में उसका ज़्यादा कोई फायदा है नहीं, supply अकेले में उसका ज़्यादा कोई फायदा है नहीं। Pro consumer अपनी intentions बता रहा है, अपनी willingness बता रहा है, producer अपनी willingness बता रहा है। सबसे काम की चीज़ तो होगी ना कि वो सब तो ठीक है भैया,
प्राइस कैसे डिसाइड करेंगे कितने का बिकेगा? कंज्यूमर तो कह रहा है फ्री में दे दो, प्रोड्यूसर कह रहा है कि जितना महंगा उतना अच्छा। तो काम की बात तो तब होगी ना जब आप एक रियलिटी पे आए कि अच्छा प्राइस फिक्स कैसे होगा। तो दे आर ऑफ दीज कॉन्सेप्ट इन आइसोलेशन, डिमांड एंड सप्लाई, दे आर ऑफ लिमिटेड यूज व्हेन दे आर टेकन सेपरेटली। सेपरेटली मतलब उनको इंडिविजुअली स्टडी कर रहे हो तो उनका यूज बड़ा लिमिटेड है, क्योंकि वो सिर्फ एक एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं। दे बिकम मोर यूजफुल व्हेन दे आर स्टडीड और यूज टुगेदर टू एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ इक्विलिब्रियम इन द मार्केट। सो द मार्केट कंसिस्ट ऑफ थ्री एलिमेंट्स, द डिमांड, सप्लाई एंड द मार्केट इक्विलिब्रियम। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? मार्केट इक्विलिब्रियम। मार्केट इक्विलिब्रियम के डिटर्मिनेंट्स एज दो हैं, डिमांड एंड सप्लाई। एज डिस्कस्ड बिफोर, परफेक्ट कॉम्पिटिशन इज अ प्राइस स्ट्रक्चर। परफेक्ट कॉम्पिटिशन, हम जितना भी पढ़ रहे हैं ना सारा प्राइस डिटर्मिनेशन, दैट विल बी अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन। तो परफेक्ट कॉम्पिटिशन एक ऐसी मार्केट थी जिसमें प्राइस इज फिक्स बाय द इंडस्ट्री एंड गिवन टू द फर्म। तो प्राइस इंडस्ट्री फिक्स कैसे करती है? थ्रू द मार्केट फोर्सेस, वही इस चैप्टर का कंटेंट। तो परफेक्ट कॉम्पिटिशन में बस आपको एक लाइन याद रहनी चाहिए कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन में जो फर्म होती है वो अपना प्राइस खुद डिसाइड करती है या इंडस्ट्री उसे फिक्स करके देती है। तो द फर्म बिकम्स अ प्राइस टेकर, फर्म बिकम्स अ प्राइस टेकर, इंडस्ट्री इज द प्राइस मेकर। तो हम ये जो स्टडी कर रहे हैं, मार्केट डिमांड, मार्केट सप्लाई, वो इंडस्ट्री के ही ग्राफ्स हैं, क्योंकि मार्केट है ना पूरी मार्केट की डिमांड, पूरी मार्केट की सप्लाई फॉर अ पर्टिकुलर कमोडिटी, तो उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री का ग्राफ बनना। तो जो प्राइस डिटरमिन होगा दैट विल बी गिवन टू द इंडिविजुअल फर्म, और उस प्राइस पे वो अनलिमिटेड सप्लाई करने के लिए रेडी होगी। तो हम जो ग्राफ्स बना रहे हैं, इंडिविजुअल डिमांड इंडिविजुअल सप्लाई, या मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई, इस पर्टिकुलर चैप्टर में मार्केट स्टडी होगी। तो मार्केट डिमांड, मार्केट सप्लाई। ओके जी, इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट इक्विलिब्रियम इज डिटरमाइंड व्हेन मार्केट डिमांड विल बी इक्वल टू मार्केट सप्लाई। कह रहे बचपन में करा था। मार्केट डिमांड क्या होता है? इट इज अ सम टोटल ऑफ इंडिविजुअल डिमांड फॉर अ पर्टिकुलर कमोडिटी। दिस इज इम्पॉर्टेंट, फॉर अ पर्टिकुलर कमोडिटी, दैट इज वाई इट इज अ माइक्रो कॉन्सेप्ट। वरना तो आएगा ना कि मार्केट है ना सर, अब तो इंडिविजुअल को थोड़ी ना स्टडी कर रहे हैं, पूरी मार्केट को स्टडी कर रहे हैं, तो इट शुड बी अ मैक्रो कॉन्सेप्ट। डाउट आ सकता है कि नहीं आ सकता? तो इट इज अ माइक्रो कॉन्सेप्ट बिकॉज वी आर स्टडिंग अ पर्टिकुलर कमोडिटी। मार्केट सप्लाई इज अ सम टोटल ऑफ सप्लाईज बाय ऑल द प्रोड्यूसर्स बट फॉर अ पर्टिकुलर कमोडिटी। मार्केट डिमांड मीनिंग, कोई डाउट? मार्केट डिमांड सम ऑफ इंडिविजुअल डिमांड फॉर अ कमोडिटी, टोटल डिमांड फॉर अ कमोडिटी बाय ऑल द कंज्यूमर्स। मार्केट सप्लाई, टोटल सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी बाय ऑल द प्रोड्यूसर्स। कोई डाउट? सम ऑफ इंडिविजुअल सप्लाई। मार्केट इक्विलिब्रियम क्या होगा? मार्केट इक्विलिब्रियम एग्जैक्ट डेफिनेशन पता होना चाहिए। इट इज डिटरमाइंड व्हेन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी बिकम्स इक्वल टू द क्वांटिटी सप्लाइड। व्हेन द मार्केट डिमांड इज इक्वल टू मार्केट सप्लाई, क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाइड। द प्राइस डिटरमाइंड कॉरेस्पॉन्डिंग टू द मार्केट इक्विलिब्रियम इज नोन एज द इक्विलिब्रियम प्राइस। तो ओपी, अगर आपके पास फिगर्स नहीं है, अगर जैसे फिगर्स है 6, तो 6 इज द इक्विलिब्रियम प्राइस, और इन दिस केस 60 वुड बी द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। कोई भी डाउट? क्लियर? ठीक है, तो अभी हमने यहां तक की डिस्कशन कर ली, टेबल जो मैंने पूरी आपको बना के दिखाई थी। कोई भी डाउट अभी तक? हाउ इज द इक्विलिब्रियम डिटरमाइंड? इक्विलिब्रियम इज डिटरमाइंड थ्रू द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। वो हम एक एक करके स्टडी करेंगे कि एक्सेस डिमांड का मतलब क्या होता है। बता तो दिया ये मैंने, इनिशियली क्या है। अगर ये वापस आ जाते हैं ग्राफ पे, ग्राफ विजिबल है सबको? ग्राफ विजिबल है सबको? ठीक है, तो पी के ऊपर इक्विलिब्रियम प्राइस से अगर प्राइस ज्यादा है, इक्विलिब्रियम प्राइस से अगर प्राइस ज्यादा है, अभी हमने सारे डिस्कशन कर लिए, इक्विलिब्रियम प्राइस अगर 6 है, इससे अगर ज्यादा है, इक्विलिब्रियम प्राइस अगर ज्यादा है, प्राइस हाई है, तो डिमांड कम होगी या ज्यादा होगी? डिमांड कम होगी। सप्लाई कम होगी या ज्यादा होगी? ज्यादा होगी। तो
तो यहाँ पे हमने क्या देखा था, इट इज सिचुएशन ऑफ एक्सेस सप्लाई, और जब प्राइस इक्विलिब्रियम प्राइस से कम है तो क्या सिचुएशन है, सिचुएशन ऑफ, इसमें कोई डाउट तो नहीं है ना, ये सारी डिस्कशन हो गई है, 100% क्लियर। तो व्हेन द प्राइस इज अबव द इक्विलिब्रियम प्राइस तो इट विल बी अ सिचुएशन ऑफ एक्सेस सप्लाई। प्राइस हाई है इक्विलिब्रियम से, इक्विलिब्रियम प्राइस से ज्यादा है, व्हेन द मार्केट प्राइस इज मोर देन द इक्विलिब्रियम प्राइस, प्राइस ज्यादा है तो बायर्स कम होंगे या ज्यादा होंगे, तो फिर सप्लायर ज्यादा होंगे ना, क्योंकि उनके लिए सर ज्यादा कैसे होंगे, बेचेंगे किसको, डाउट आ सकता है। जब हम सप्लाई स्टडी कर रहे हैं तो हम उसकी विलिंगनेस बात कर रहे हैं सर, अगर ये हाई प्राइस है तो सप्लायर्स की विलिंगनेस हाई होगी या लो होगी, हाई होगी ना, वो बेच पाएंगे कि नहीं बेच पाएंगे वो तो अभी पता चल जाएगा, नहीं बेच पा रहे तभी तो सरप्लस क्रिएट हो गया, लेकिन हम तो उनकी विलिंगनेस स्टडी कर रहे हैं। तो इट इज अ सिचुएशन ऑफ एक्सेस सप्लाई, व्हाट विल हैपन इन द सिचुएशन ऑफ एक्सेस सप्लाई, वही तो ये चैप्टर सिखाएगा कि अब तो प्रोड्यूसर्स जोश जोश में फंस गए, अब ये सामान कैसे बेचेंगे, तो ये प्राइसेस कम करने पड़ेंगे, और अगर प्राइसेस कम होते, अगर प्राइसेस कम होते देन द इक्विलिब्रियम प्राइस, देन इट वुड हैव बीन अ सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड। क्लियर, कोई भी डाउट, पक्का?